हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। FFVU चाहे SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। UP SSC हो, UP SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में आता है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आता है, और रेलवे का तो फेवरेट है ये, ठीक है। इसके अलावा बैंक का हो, यानी जितने भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जहां आपसे GK पूछी जाती है, उन सभी में यहां से क्वेश्चन आने के पूरी पूरी संभावना होती है, ठीक है, और आता ही आता है। तो चलिए बात करते हैं, टॉपिक है आपका, आप इस टॉपिक के नाम से बेहद परिचित होंगे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनके बारे में, मैं सारी बात बताऊंगा। कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं भारत में इस समय उपस्थित, तो इन पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करूंगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके लिखे हुए हैं, ये जो हैं आपके परमाणु संयंत्र, ये उनकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगाई है परमाणु संयंत्र की, ठीक है। कुछ इस तरीके के होते हैं आपके परमाणु संयंत्र। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं बड़े ध्यान से समझकर, तो इसे पढ़ने के बाद फिर इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो ये रहा भारत के परमाणु संयंत्र। तो ये है जी भारत के परमाणु संयंत्र, ठीक। अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र हैं। तो भारत में अभी तक जो परमाणु संयंत्रों की संख्या है वो केवल 7 है, ठीक है। 2023 तक जो ये परमाणु संयंत्रों की संख्या है जो पूर्ण रूप से चल रहे हैं वो केवल 7 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने परमाणु संयंत्र हैं भारत में, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में जो कि 2022 में हुआ था, उसमें 22 तक करके पूछा गया था, तो वहाँ भी आंसर 7 ही है। और अभी 2023 तक भी आंसर कितना ही आएगा आपका, 7 है, ठीक है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी है आपको पता चल गई, 7 हैं जी अभी तक, यानी ज़्यादा नहीं पढ़ने, केवल 7 ही पढ़ने हैं, ठीक है। और ये 7 में भी क्या क्या पढ़ना बताऊंगा आपको। चलिए देखिए, ये पहला परमाणु संयंत्र है भारत का तारापुर। सबसे पहला तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पर, तो आपको पता चल गया महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा देखो 80% चांस होते हैं क्वेश्चन पूछने के, कि वो ये पूछेगा आपसे कि ये वाला परमाणु संयंत्र किस स्थान पर है। 80% इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको और चाहो तो आप 90% भी कर लो, यानी 90% क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाता कि ये वाला परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, ठीक है जी। स्थान पूछ लेगा बस उसका, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे तो 10% में कैसे क्वेश्चन आएंगे, 10% में उनकी क्षमता पूछ सकता है या कुछ स्पेशलिटी पूछ सकता है उनकी, मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। यानी 90% में इतना ही याद रखना कौन सा कहां पर है, ठीक। चलिए कुल 7 हैं, 10 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए पहला है तारापुर। तारापुर की खास बात यह है कि तारापुर भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र, जो कि 1969 में शुरू हुआ था। कब शुरू हो गया था, 1969 में। इसकी अगर कुल क्षमता की मैं बात करूं तो ये कितनी है, 1400 मेगावाट। कहां पर है ये, तो ट्रांबे मुंबई के अंदर है ये। कहां पर है ये, ट्रांबे मुंबई, ठीक है जी। ये ट्रांबे मुंबई के अंदर है सरकार। तो स्थान राज्य कौन सा हुआ इसका, महाराष्ट्र हुआ।
आप इस चीज़ को भी लिख लीजिए अगर आप लिख रहे हो ट्रांबे मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक। अच्छा, अब ये किसकी मदद से बना भी? इसको बनाने में हमारी मदद करी थी, तो किसने मदद करी थी उसको देख लेते हैं। देखिए, ये 1969 में शुरू हुआ था, ये भारत का सबसे पुराना बिजली स्टेशन में से एक, सबसे पुराने का मतलब सबसे पहला यही है, प्रथम यही है, तो सबसे पुराना भी यही होगा, ठीक है। इस संयंत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच एक समझौते के तहत बनाया गया था, यानी अमेरिका की जो अमेरिका है, एक तो अमेरिका देश और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, इन दोनों ने समझौता किया आपस में और तब ये भारत में बनाया गया, यानी भारत का समझौता अमेरिका के साथ हुआ, ठीक है। तो ये पहला परमाणु संयंत्र है, इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, ये सात है ना, सात के सातों ही पूछे जा चुके हैं पेपर में, तो कौन से स्थान पर हैं, ये तो सातों के सातों पूछे गए हैं। इसमें से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो चार ऑप्शन डाल दिए, उनमें से आपको बताना है कि तारापुर जी प्रथम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, यानी दूसरा जो इसमें है वो है रावत भाटा। तो रावत भाटा जो है ये भी परमाणु संयंत्र है, और ये कहाँ पर है, तो ये कोटा राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोटा राजस्थान में, ठीक। इसकी क्षमता की अगर मैं बात करूं तो 1180 मेगावाट इसकी क्षमता है। अच्छा, ये क्षमता अगर आप एक बार को ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये 10% में आती है, 90% में इनका स्थान पूछा जाना है बस, ठीक है। तो ये कोटा राजस्थान में, चलिए बात करते हैं आगे, ये दूसरा बना है, ठीक। फिर तीसरा कौन सा बनता है? तो ये बनता है कुंडन कुलाम। कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है जी, कुंडन कुलाम तमिलनाडु राज्य, आप जानते ही होंगे, अगर मैं ये बनाऊँ तो आप जानते होंगे कि तमिलनाडु ये है इधर वाला, और इस तमिलनाडु का आप मुझे तट का नाम बताना, तमिलनाडु के तट का नाम बताना कमेंट में ज़रूर, ठीक है। तो कुंडन कुलाम कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। इसकी कुल क्षमता की बात करूँ 2000 मेगावाट है, आपने अभी तक देखा 1400 मेगावाट था, 1100 मेगावाट था, अभी आ गया और भी कम देखेंगे। इसकी क्षमता आप देखिए 2000 मेगावाट, तो ये सबसे बड़ा है इसका मतलब। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कुंडन कुलाम। ये पूछा गया है पेपर में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर भी मैं यहीं कवर कराता चल रहा हूँ आपके, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अगर आपसे पूछ ले तो आंसर हो जाएगा कुंडन कुलाम, तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका कैगा, जो कैगा पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है कैगा, कैगा राजस्थान में है। इसकी कुल क्षमता की अगर मैं बात करूँ तो 880 मेगावाट है, ठीक। आपको बस ये स्थान याद रख लेना, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैगा कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका काकरापार। अगर मैं काकरापार की बात करूं तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर है जी? गुजरात में। और इसकी क्षमता की बात करूं तो 440 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक। तो काकरा कहाँ है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, कल्पक्कम भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। कल्पक्कम कहाँ पड़ता है? तो ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसकी क्षमता की अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्षमता है 440 मेगावाट। अच्छा, इसके क्रम पर मत जाना, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी हो सकती है। ये लगभग चौथे नंबर का है शायद, भारत का चौथा है ये, ठीक है। भारत का चौथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा परमाणु संयंत्र है जो पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित है, ठीक है, या पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका कल्पक्कम।
ऐसा परमाणु संयंत्र है जो स्वदेशी रूप से बनाया गया है, यानी इसमें हमने किसी और देश की मदद नहीं ली, खुद अपने देश ने इसको मिलकर के बनाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कल्पक्कम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए आखिरा है नरोरा। नरोरा है उत्तर प्रदेश में, कुल क्षमता है 440 वॉट। नरोरा जो है ये गंगा नदी पर है, गंगा नदी, और ये नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है, बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर जिले में पड़ता है ये गंगा नदी पर। ठीक है जी, गंगा नदी पर बुलंदशहर जिले में नरोरा है आपका, इस बात को आप ध्यान रखें। और ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, अब एक और बात आपको बताता हूँ, इस बार 2023 का जो पैट होने वाला है ना, पैट एग्ज़ाम PET यूपी ट्रिपल एससी के तहत, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना निश्चित है, अनिवार्य है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत छोटी सी वीडियो है, आप इन सात के सातों को याद रख लेना कौन सा कहाँ पर है, और ज़्यादातर जो चांस है वो किसका आने का है, नरोरा वाले का आने का चांस है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो भैया लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा आप चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है तमिलनाडु के तट के बारे में, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो धन्यवाद।